भरे सदन में द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म जो हिंदुओं के दर्द को दिखाती है उसका मजाक उड़ाना अब केजरीवाल को भारी पड़ गया है। अरविंद केजरीवाल की चौतरफा बुराई हो रही है। किरण रिजिजू जो एक मंत्री हैं लिखते हैं ये ना केवल निंदनीय है बल्कि बेहद शर्मनाक और दुखद है। कपिल मिश्रा लिखते हैं कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठा बताना मतलब अपनी माँ के चरित्र पर सवाल उठाना। शशांक शेखर लिखते हैं स्टॉप पुटिंग होर्डिंग्स इन दिल्ली देयर इज यूट्यूब। केजरीवाल ने कहा कि यूट्यूब पर डालने फ्री हो जाएगी फिल्म, तो ऐसे में लोग उन्हें सजेशन दे रहे हैं कि आप होर्डिंग क्यों लगवाते हैं, आप भी अपनी सारी एड यूट्यूब पर डाल दिया करें। हेमंत कुमार बिस्वा ने कहा कि अगर आप टैक्स फ्री फिल्म को नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन कम से कम कश्मीरी पंडितों का मजाक ना उड़ाएं। अशोक पंडित लिखते हैं कश्मीरी हिंदुओं की लाशों पर तुम्हारी ये हंसी तुमको बहुत महंगी पड़ेगी, याद रखना अरविंद केजरीवाल। उत्पल कौल जो कि एक कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने एक घर की फोटो शेयर की है और बताया है मिस्टर केजरीवाल दिस इज माई हाउस ऑफ 14 रूम्स विच हैड 5000 बुक्स ऑन कश्मीर एंड आर कल्चर हेरिटेज All was burned by Islamic terrorists. The Kashmir file is only an introduction of the genocide we faced. Please don't ridicule our pain. Sir Arvind Kejriwal. वो कह रहे हैं कि ये मेरा घर है जिसमें 14 कमरे थे, 5000 किताबें थी और सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया। कश्मीर फाइल्स उसका एक छोटा सा रूप है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने आरोप लगाया कि निर्दोष लोगों के हथियारों का राजनीतिक लाभ उठाना ये कोई पिशाच ही कर सकता है। वहीं और भी बहुत से लोग हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। हम मुख्य लिखते हैं कि अब तो दोस्तों कश्मीर फाइल सिनेमा हॉल में जाकर देखना, आप लोगों ने 32 साल बाद कश्मीर फाइल के दुख को जाना है, उनके साथ हुए अत्याचार को समझा है, उनके साथ सहानुभूति दिखाई है, लेकिन जो लोग इसे टारगेट समझकर इसका मजाक उड़ा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, कृपया उनको अपनी ताकत का एहसास कराएं। वहीं तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा एक जाने माने राजनेता उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है। उन्होंने एक छोटा सा ट्विटर पर पोस्ट किया है जब 10 लाख हरामी मरते होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा होता होगा। हालांकि एक राजनेता के लिए दूसरे राजनेता के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अजीब कमेंट अरविंद केजरीवाल के सामने आया है और जिस तरह से उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का और साथ ही साथ जिस तरह से लोगों के पलायन का उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाया है, वो आए दिन फिल्मों की समीक्षा करके उनके ऊपर कमेंट करते हैं कि ये फलानी मूवी बहुत अच्छी थी, ये मूवी बहुत बढ़िया थी, पीके तक जैसी मूवी का वो प्रशंसा करते हुए नजर आए। फिर आखिर क्यों एक ऐसी मूवी का मजाक उड़ाया गया जिसको देखने वाले लोग आज भी रो रहते हैं, उनके माँ बाप बुजुर्ग बच्चे उनके सामने कत्ल कर दिए गए और इस फिल्म का मजाक उड़ाते हुए भरे सदन में अरविंद केजरीवाल नजर आए। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।